पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित श्री कटासराज तीर्थ में शिवरात्रि को भारत से जाने वाली यात्रा स्थगित हो गई है। कटासराज यात्रा के संयोजक शिव प्रताप बजाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जानकारी दी। आपको बता दें 11 से 17 फरवरी तक होने वाली प्रस्तावित यात्रा में अनिश्चितता पैदा होने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा है, जिससे भारत के अलग अलग राज्यों से इस यात्रा में जाने वाले 191 यात्रियों में भारी निराशा है, क्योंकि अभी तक विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया। भारत पाक के संबंधों में दिन ब दिन आ रही खटास को लेकर और लगातार पाक का भारत की सीमा पर चल रहे टकराव का असर इस बार हिंदुओं की पाक जाने वाली ऐतिहासिक यात्रा कटासराज पर भी पड़ा है और शिवरात्रि के मौके पर भारत से पाक के कटासराज जाने वाली यात्रा को स्थगित कर दिया गया। पाक की इस यात्रा को लेकर खामोश है और विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी अभी तक उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस यात्रा के संयोजक ने और जानकारी देते हुए बताया कि जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने एक बैठक की और इस यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस आपात बैठक में सभी ने इस बात को लेकर खेद व्यक्त किया और बताया कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इस यात्रा में देश भर से जाने वाले 173 यात्री बेहद हताश हैं, जबकि तीर्थयात्रियों की सीडी लिस्ट काफी समय से दे रखी है और यहां तक कि पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली के पास संबंधित तीर्थयात्रियों के पासपोर्ट और वीजा फीस भी जमा करवा रखी है और मैंने खुद विदेश मंत्री से इस मामले की जांच को कहा है। अब आपको बताते हैं कि यात्रा इतनी खास क्यों है। सरहदों को देखें तो बेशक भारत और पाकिस्तान दो देश हैं, पर विभाजन से पहले वे साझी जमीनें ही नहीं थी बल्कि कई महान परंपराओं के साझे वाहक भी थे। शासन के पैमानों पर विभाजन से भले ही पाकिस्तान एक नए देश के रूप में सामने आया है, पर सांस्कृतिक और धार्मिक नजरिए से आज भी दोनों देश एक जमीन पर खड़े दिखाई देते हैं। जहां भारत में अजमेर शरीफ जैसी दरगाह है, जहां हर साल पाकिस्तान से जायरीन चादर चढ़ाने आते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसे कई हिंदू और सिख तीर्थ स्थल हैं जिनकी मान्यता दोनों ओर एक सी है। इन धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन के लिए दोनों ओर से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भाई तो कोई सा भी नहीं आया, अरुण ने जाकर देखा भी मेरे भाई मुर्शिद है, तो उसने जैसे यक्ष प्रकट हुए और उसने अपने प्रश्न किए और उनके प्रश्नों को उत्तर दिया और यक्ष ने खुश होके उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। जैसे ही वो जीवित हुए तो उन्होंने पानी पुनी पिया और फिर इस स्थान की महिमा और जो मंदिर है ये पांडवों द्वारा बनाया गया। श्री कटासराज महाराज जी की जो यात्रा है जी, ये तो एक बहुत ही एक अद्भुत, हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत कठिनाई से मतवातर 35 साल के जबरदस्त जद्दोजहद संघर्ष के बाद हमें इजाज़त मिली थी 1982 से। सबसे पहले बख्शी चरेलाल जी जो केंद्रीय सरासर सभा के उत्तरी भारत के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष थे, और इस श्री कटासराज यात्रा के जन्मदाता ही सही मायनों में वही है। तो उन्होंने सिंस पार्टीशन 1947 से इस यात्रा के लिए जारी करने के लिए भारत सरकार के माध्यम से पाकिस्तान सरकार को बहुत ही मजबूर करते रहे, संघर्ष करते रहे। तो ये हम खुशकिस्मत है कि 1982 के अंदर हम गए वहां पर। इसके बाद यात्रा आरंभ हो गई, सबसे पहले 50 यात्रियों की इजाज़त मिली, फिर 100 हुआ, फिर इसके बाद 150 हुआ। साल में एक बार उस वक्त तीर्थ करने की यात्रा थी, लेकिन उसके बाद हमें यत्न से केंद्रीय शासन उत्तरी भारत के प्रयत्नों से कोशिशें हमने की कि तादाद बढ़ाई जाए। वो आज तक केवल 200 हिंदू यात्री वहाँ जा सकते हैं। तो मैं अभी दिसंबर में एक जत्था लेके गया था, तो इससे पहले लगभग मैं 35 बार के करीब, ये जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय भारत सरकार है, वो इस यात्रा को स्पॉन्सर करती है और हमारे साल अब, हाँ, एक साल में हमें अब दो बार इजाज़त उन्होंने स्वीकार की है, एक नवंबर दिसंबर में और एक शिवरात्रि जब भी है उस समय पर। तो इस बार शिवरात्रि के मौके पर हमने भारत सरकार से, भारत सरकार के थ्रू पाकिस्तान को, पाकिस्तान सरकार से 200 हिंदुओं का वीजा के लिए प्रार्थना की थी। 191 की लिस्ट हमने, सीडी लिस्ट जो है यात्री की, वो भेजी थी और उसके साथ 173
जो पासपोर्ट थे हमारे पास वो हमने सपुर्द कर दिए थे पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली को कि वीज़ा लगवा दिया जाए, एप्लीकेशन फॉर्म वीज़ा फीस तक भी जमा करा दी थी। और इधर विदेश मंत्रालय भारत सरकार को भी सीडी भी भेज दी थी, लिस्टें भेज दी थी और साथ सारी एप्लीकेशन वगैरह जितनी जो इस कार्रवाई है पूर्णता कर दी थी। लेकिन बड़ा अफसोस है कि वक्त गुजरता गया, हम उनको पूछते रहे भाई क्या यात्रा कब जानी है, देश के ठीक है हालात भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल दोनों देशों के दोनों सरकारों के चल रहे हैं, लेकिन हमें कोई जो एक कहते हैं स्पष्ट जवाब नहीं मिला ना।